Hello students, welcome to Tiwari Academy. In this video, we will solve question number 3 and 4 of exercise 7.1. Question 3 में दिया हुआ है कि AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB, so that CD bisects AB. तो देखिएगा इस फिगर में ये आपका जो CD और AB लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है. तो CD और AB लाइन क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इस दोनों ट्रेंगल में हम देख सकते हैं ट्रेंगल हैं आपके CBO एंड DAO. सो इन दोनों ट्रेंगल में BOC एंड DOA क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दोनों ये एंगल इक्वल होंगे और CBO क्या है इट इज 90 डिग्री और इसी तरह से OADV क्या है हमारा 90 डिग्री है और इसमें क्या दिया हुआ है BC इज इक्वल टू AD. तो ये तीन जो हमारे साइड एंड एंगल ओके. सो यूजिंग द डबल AS प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे CBO एंड DOA दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. ओके, सो इसको हम स्टेटमेंट्स में लिख दे देते हैं. तो देखिएगा इन ट्रायंगल ओबीसी एंड ट्रायंगल ओएडी एडी इज बीसी इट इज गिवन. क्वेश्चन में दिया हुआ है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स एंड एंगल एओडी विल बी इक्वल टू एंगल बीओसी क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे. तीसरा एंगल डी एओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ क्योंकि ये दोनों क्या है ईच 90 डिग्री. सो यूजिंग डबल AS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया वी कैन से ट्रायंगल OBC will be congruent to triangle OAD. So by CPCT further we can say corresponding parts of congruent triangles are equal. So हम कह सकते हैं कि OA will be equal to OB. ठीक है ये जो OA this one this OA will be equal to OB. इसका मतलब क्या है कि O will be the this will be the midpoint. It means this will be the midpoint of AB as well as midpoint of CD due to the congruence property. Okay, by CPCT we can say OA is equal to OB. So finally we can say hence CD bisects AB. यही हमने प्रूव करना था. तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस. सो ये L लाइन दी हुई है एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस जो कि P एंड Q हैं. सो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA. तो देखिएगा क्योंकि लाइन L
ये जो लाइन है ये लाइन एल इज पैरेलल टू एम। तो ये अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि एडी विल बी पैरेलल टू बीसी। सिमिलरली पी इज पैरेलल टू क्यू, तो हम कह सकते हैं कि ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी। तो अगर ऐसा है, क्योंकि ए डी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ये ए डी सी बी विल बी पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो इस केस में ए डी विल बी इक्वल टू बी सी एंड दिस साइड ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। और इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, ए बी सी की ओके और सी डी ए की बात करें, तो ए सी इज कॉमन। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, बाई ट्रिपल एस प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिएगा, इसको हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी। और ये दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। दूसरा बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू AD एंड AC इज इक्वल टू AC। ये सब हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसमें आपने स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि L पैरेलल टू M, सो AD पैरेलल टू BC, P पैरेलल टू Q, सो AB पैरेलल टू CD, सो AB CD विल बी पैरेललोग्राम। यहाँ आप लिखोगे, हमने इससे पहले ये दिखा देना है कि ए बी सी डी विल बी पैरेललोग्राम। इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल में बी ए सी डी हो गया, बी सी इज ए डी हो गया, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन हो गया, तो बाई ट्रिपल एस प्रॉपर्टी वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। यही हमने प्रूव करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग तिवारी अकेडमी।